ओडिशा सिविल सर्विस मेन परीक्षा आज आरंभ। प्रथम दिन में ओडिया और इंग्राजी भाषा परीक्षा देखते छात्र छात्री पांचटी जोन षोलटी केन्द्र में कोविड कटक परीक्षा चली। नौ बारटा पर्यंत प्रथम सिटिंग एवं अपराह्न दुईटू पांचटा पर्यंत द्वितीय सिटिंग में परीक्षा देखते छात्र छात्री। परीक्षा सुपरिचा समस्त जिलापा निर्देश दीजिए। आज संक्रमण संख्या स्थिर रही। प्रथम जो गति में संक्रमण बढ़ुता से आज किसी मात्र संख्या कम अच्छी। केस डबलिंग कमी वर्तमान स्थिति में 88,000 आक्टिव केस रही किंतु मात्र 1,230 लोक हस्पिटाल अच्छा। एपर्यंत स्वास्थ्य व्यवस्था उपर चाप पड़ना आईसीयू रोगी ना अक्सीजेन आवश्यकता नामग्रिक भाव परिस्थित नियंत्रणाधीन रही। आमपाई यह आश्वासनार विषय जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। आज देश में बढ़ी करोना संक्रमण गतकाल अपेक्षा आज बहु वृद्धि पाई करोना संक्रमण मृत्यु संख्यार भी लगे ब्रेक। आज देश में करोना आक्रांतों संख्या 317,532 पहुंची। देश में करोना जनित दैनिक मृत्यु संख्या 491 छुई से 19,24,051 सक्रिय मामला रही। सारा देश में करोना महामारी बढ़ी चलता बेले बड़ घोषणा करिछन्ति ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। मास्क पिंधिबा सह अन्य कटकणा हटाइबा नै घोषणा करिछन्ति ब्रिटेन प्रधानमंत्री। वैज्ञानिकों मत अनुसार देश में करोनार नुआ भारियंट ओमिक्रॉन वेव शीर्ष में पहुंची सारी। एपरी स्थिति में मास्क पिंधिबा सह अन्य कटकणा हटा जाइछि बोली कहिछन्ति ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। प्रथम थर पर ओडिशा रे आयोजित होबाकु जाउछि अंतर्जातीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। आसंता 25 रु कटक जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम रे आरंभ होबो बीडब्ल्यूएफ ओडिशा टूर्नामेंट। एहाकु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्घाटन करिवे जेउथरे सारा विश्वर 350 जन बच्चा बच्चा बैडमिंटन खेलाड़ी अंशग्रहण करिवाकु जाउछन्ति। एही टूर्नामेंट पई कटक जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम रे समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। टूर्नामेंट रो पुरस्कार राशि 55 रु 60 लाख टंका रखा जाइछि।